सौतेले भाई के द्वारा बीते 2 मार्च की रात में अपने मासूम बहन की घर में चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में पुलिस ने घटना की जांच कर आरोपी सौतेले भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई थी। पुलिस ने आज हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी भाई को जेल भेज दिया है। बता दें कि बिजनौर के कीरतपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजियान में कल 8 वर्षीय बच्ची तनु नादिया की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का खुलासा करते हुए सीओ सिटी बिजनौर कुलदीप सिंह ने बताया कि एसपी संजीव त्यागी के निर्देश पर कीरतपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी सौतेले भाई तालिब को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि तालिब नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है जो चोरी चकारी की घटनाओं को भी अंजाम देता रहा है। आरोपी के चरित्र को लेकर उसकी मासूम बहन अपने भाई की शिकायत अपनी माँ से करती थी, जिसको लेकर आरोपी भाई अपनी सौतेली बहन से नाराज था। आरोपी ने यह भी बताया कि मेरे माँ बाप की कोई भी लड़की ना होने के कारण उन्होंने अपने रिश्तेदारी में तनु को गोद में लिया था। आरोपी का कहना है कि उसकी सौतेली बहन उसकी हर बात माँ से बता देती थी, जिसको लेकर उसने अपनी बहन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। परसों रात में जब उसकी माँ एक शादी समारोह में शिरकत करने गई थी, तभी मौका पाकर तालिब ने अपनी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्या के मामले में आरोपी तालिब सहित आला कत्ल चाकू को भी बरामद कर लिया है और पुलिस ने कातिल को जेल भेज दिया। दिनांक 2/3/2020 को थाना कीरतपुर के मोहल्ला काजियान में एक 8 वर्षीय बच्ची तनु नादिया की हत्या कर दी गई, जिस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 37/20 थाना कीरतपुर में दर्ज कराया गया था। थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें एक व्यक्ति को अपराधी को पकड़ा है, जिसका नाम है तालिब पुत्र। और जब इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये जो इसकी मृतका थी, ये उसकी सौतेली बहन थी और ये चोरी चकारी करने वाला अभियुक्त था। और जब ये कोई इसकी माँ इसको डांटती थी तो बच्ची जो है अपनी माँ से शिकायत कर दी, इसी रंजिश में उसने उसका मर्डर। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।